में खबर में ये भी कहा गया है कि कपूर, आलिया भट्ट ना इसके अलावा शाहरुख खान का भी इसमें एक रोल है। और जिस तरह से आज हमने तो भाई इस वाले टैंकर पे आया मैं ना, ये दो लोग जा रहे हो ना शायद, साथ में एक पिछले वाले टैंकर भी लगा हुआ, उसके पीछे लगा हुआ है। ठीक है भाई जी, हैप्पी जर्नी। ओके जी। ओ भाई क्या जिंदगी है ड्राइवरों की जी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका हमारे आज के नए ब्लॉग में, आज की नई वीडियो में। और भाई अभी ना सुबह सुबह का टाइम है, 8 बज रहे हैं और मैं हूँ ये मढ़ी नाम की जगह से मतलब 2 किलोमीटर पीछे हूँ अभी, और मैं जा रहा हूँ भीड़ फालकों के डेरे में। भाई मतलब ना सुबह 3 बजे उठा था यहाँ आने के लिए, वहाँ से बस ली अपने रूम के पास से और फिर मनाली, मनाली से फिर बस और पलचांग नाम की जगह है, वहाँ से लिफ्ट ली, टैंकर पे आया, एक जो तेल वाले टैंकर होते हैं ले जा रहा था उस पे आया यहाँ तक। भाई मतलब इतना खूबसूरत, इतने अच्छे अच्छे व्यू ना, क्या ही बताऊँ मैं। और भाई यहाँ पे ना इतनी ज़्यादा धुंध पड़ी हुई है, इतनी ज़्यादा धुंध पड़ी हुई है कि कुछ पता नहीं लग रहा, कुछ नहीं दिख रहा है। मैंने वो गद्दी लोगों को फ़ोन किया तो उन्होंने बोला भाई ऐसे ऐसे उतरो और ऐसे ऐसे आओ। मैं मतलब थोड़ा सा ठीक ही रहा, थोड़ा भूला नहीं, अगर भूल गया होता तो मर जाना हुए क्या बूढ़े पितरी भांग। तो बस भाई ऐसा जैसा है, मर गया था हुए वो यार। और अभी यहाँ कहीं ऊपर है भेड़ पालक ना, और तुम ये देखो मतलब धुंध पड़ी हुई है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। जहाँ मैं पहले आया था मामा के साथ, वो इधर पार रुके थे हम एक दिन, जो वाटर टैंक है पावर हाउस का। और अभी भाई साहब को फ़ोन किया था ना, वो वहाँ दिख रहे हैं मुझे ऊपर बैठे हुए हैं वो। भाई इस वाले एरिए में ना वो होते हैं गुज्जर, अपनी भैंसें लेके आए होते हैं, जैसे से ये बनाया हुआ उन्होंने रहने के लिए बनाया हुआ। यहाँ पे कितना बढ़िया बनाया हुआ यार, यहाँ पे पत्तों के ऊपर वो सोते हैं ना, और यहाँ पे खाना खुना देखो चूल्हा बनाया हुआ है, चूल्हा बढ़िया बनाया हुआ है भाई, देखो एकदम मस्त। और ये अंदर से लिपाई लिपुई करके बढ़िया करके टेंट लगाते हैं ना वो ऐसी ऐसी जगह पे। तो भाई ये इनके ना 8-10 घोड़े हैं भेड़ पालकों के, और ये भाई जी आए थे मुझे ले जाने के लिए, वो पारिन खड़े रहा यहाँ सामने। और भाई अब जाके ये थोड़ी सी धुंध हटी है और ऐसा जैसा कुछ व्यू दिख रहा है यहाँ से, क्या गजब है यार। भाई वो वहाँ से गए थे भाई हम मामा के साथ, जब भेड़ बकरियाँ लेके गए थे वहाँ रुके थे एक रात पार, एक रात हाँ रात को रुके थे वहाँ पे। ओ यार गजब। और ये वाला रही तो भाई मेरे को बड़ा घाटा घाटा सा लग रहा है। मामा जी, ओ मामा जी ठीक ठाक जाने जी, बैठा बैठा मेरे सेब है, मेरे तो बैग का सेब खावा है, सेब खावा सेब बस बड़ा फर्क। भाई अभी 8:30 बज रहे हैं सुबह का टाइम, मैं पहुंच गया इनके पास ना, और ये अभी अपनी बकरियां लेके जा रहे हैं जंगल में यहाँ, और अभी आएंगे 10 बजे फिर वापस, खाना खुना खाएंगे फिर। और ये हमारे चेतु भाई जी, और ये यहाँ पे भाई खाना बन रहा है यार। अब जाके थोड़ी थोड़ी भाई धुंध हट रही है, नहीं तो पहले जब मैं आया तब तो बहुत बुरा हाल था, बहुत मुश्किल से आया। एक एक जगह दिस है भाई नीचे, जो नीचे दिख रही है गुलाब, हाँ अच्छा गुलाबा, अच्छा अच्छा घाटी घाटी लग रही है जगह। ये भाई सारे बुर्जे, ये भाई ये सारे जो पेड़ ना ये बुर्ज है, अच्छा बड़े बड़े बुर्जे, छोटे छोटे सरंगड़ा, अच्छा अच्छा अच्छा। ये जो भाई व्हाइट व्हाइट से आपको पेड़ दिख रहे हैं, दिख रहे हैं यहाँ से, ये जो व्हाइट व्हाइट से पेड़ दिख रहे हैं ना ये भुर्ज के हैं, पुराने ज़माने में मतलब हमारे ऋषि उन्हें लिखा करते हैं इनकी छाल पे, वो वाला भुर्ज है ये। ये सारी भेड़ बकरी हैं यहाँ पे इनकी भाई, ये गधियों की बड़ी स्पेशल चीज़ है, इसके बिना गधियों का जीना नहीं है। क्या बोले मामा, चो फुक्कू
इसे हवा देते हैं, आग जलाने के जलगी आग देते हैं यहाँ पे। यहाँ जी इसका बनाते हैं क्या बोलते हैं इसको अपना भेड़ बकरी खाल है ना, बकरी खाल है। भाई आ जाओ ये हमारे, आ जाओ भाई जी आ जाओ, जा जा तुझे माल ले चले फिर ही। भाई ये हमारे भाई साहब आके आ गए इधर, वारा इतनी धुंध आ गई फिर से कि भाई जिसका कोई हिसाब नहीं है यहाँ पे। कैसे बकरियाँ भाई लेके जाएंगे जंगल में और कैसे वापस लाएंगे फिर। मौसम बढ़िया भाई है ना, ठंडा ठंडा बहुत, फर्स्ट क्लास मौसम बहुत है। तो भाई अभी चाय लगे हैं बनाने मामा जी यहाँ पे, कुछ नहीं दिख रहा है भाई आर पार। कर रहा थे मैं बोले हमें कैंसिल कर रहा भाई था रहा आज ना इतना कुछ नहीं है। तो भाई चाय बन गई यहाँ पे, चाय पियेंगे अभी हम यहाँ पे और ऐसी ऐसी जगह पे बैठ के चाय पीने का भाई अपना अलग ही मजा है यहाँ पे। बस एक मिनट बाद फिर धुंध आ जाएगी यहाँ पे, सब कुछ छुप जाएगा यहाँ। अभी थोड़ा साफ हो गया फिर से यार। भाई भाई अभी हम चाय लगे हैं पीने और चाय में आटा डाल रहे हैं भाई। ये सत्तू है, ये आटा नहीं है, खिंडिया भाई ये। बस भाई बस 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 जो है जो। अच्छा अच्छा वो है ये भाई, लाहौल स्पीति में मिलता है ये, स्पीति से लाए हैं भाई जो सत्तू। दाला भाई चोकर खा रहे हैं भाई बंदे यहाँ पे। नहीं नहीं भाई मजाक कर रहा हूँ, ये बहुत स्पेशल चीज़ होती है, पर ये मिलती है ये क्या बोलते हैं इसको स्पीति में, स्पीति के लाहौल के लोग खाते हैं इसको ज़्यादा ना, हमारे यहाँ पे नहीं यूज़ होती है। तो भाई भी ले आए हैं वही इनसे। हाँ जौ होता है ये जो। अच्छा सीनियर ना होगा सोखी हुई ना बड़ा बारे में भाई साहब सच्चे देख तो भाई अभी ये पी लेते हैं चाय सत्तू। ये केड़ा कुत्ता भाई जी, बाण कुत्ता है ये मतलब मेल की फीमेल है, कुत्ता की कुत्ती। हेलो बोल गा नहीं मुझे कुछ है, क्या नाम रख रहा भाई इसरा रिखी। अच्छा हेलो रिखी कैसे हो भाई, तो बड़ा जबरदस्त था भाई, मेरे को लाना है सारा आप ही छोटा एक। हेलो हाँ एडा कैसा ये देखो भाई, ये वाला एरिया देखो थोड़ा मतलब साफ साफ है ना, जैसे ये पार इनका डेरा यहाँ पे और ये आ रही है धुंध यहाँ से, थोड़ी देर में सारा एरिया ढक जाएगा। ये भाई साहब जा रहे हैं अपनी बकरियों की तरफ आगे कहीं। ये वाला एरिया भाई रोहतांग से ना थोड़ा सा पास का एरिया है ये, मड़ी मड़ी नाम की जगह है ये, MARHI मरी बोलो मरी बोलो मड़ी बोलो। भाई इस त्यागी दुनिया बस बस इस त्यागी जावा ना, बड़ी घाटी जगह है कन्ने दुनिया खत्म इस त्यागे। बड़ी बार धुंध भाई, हो भाई अगर ये धुंध इस पत्थर पे आ गए ना हम, अगर धुंध हट जाती तो यहाँ से का मतलब नीचे का जो नज़ारा होना था वो अलग ही नज़ारा होना था, बट है नहीं कुछ भी, कुछ नहीं दिख रहा। ये देखो ये आ गई धुंध ना और वो ढक गया सारा एरिया। मैं इनके जो मतलब डेरा है ना वहाँ से हार्डली कोई मतलब 30 सेकंड के भी दूर नहीं हूँ, कुछ नहीं दिख रहा है। इनकी बकरियाँ यहाँ हैं कहीं ना नीचे, कुछ नहीं दिख रहा है भाई।
तो भाई ये यहाँ पे आग जलाई हुई, बहुत ज़्यादा ठंड है यार यहाँ पे, और हमारे मामा श्री खाना बनाने लगे हैं यहाँ पे। हाँ जी, क्या बना रहे हैं आज? दाल चावल। ओह दाल चावल ही भाई, चावल साफ कर रहे हैं। एक्चुअली मैं ना हम चले गए थे परे, वहाँ बैठे हुए थे थोड़ी देर, तो उतने मामा खाना बना रहे थे। अभी मामा जी चावल साफ़ कर रहे हैं यहाँ पे, और ऐसा जैसा कुछ माहौल है यहाँ पे इनका। और भाई बर्तन इनके इतने साफ़ रखते हैं हर बार की तरह, मैं आज भी यही बोलूँगा भाई, मतलब गदियों के बर्तनों को देख के तो ऐसे दिल खुश हो जाता है, रूह खुश हो जाती है। और भाई इतनी ठंड है यहाँ पे ना, यहाँ पे मतलब ऐसे आग सेकनी पड़ रही है। ये दाल बना ली मामा श्री ने, और बड़ा पक्का ढक्कन लगा रहा मामे, क्यों ये लोहे रोना भाई है ना बर्तन। ओ वाह भाई, दाल देखो गदियों की बनाई हुई, अरे क्या बात है गदियों की। दस भाई जो ये कुछ मिला है भाई, ये बांडे पालनपुरा मिला थे पहले, अब नहीं मिलते हो? अब नहीं मिलते हो? वो हर बड़ा घर का आया था ये था भाई। इसका वजन कितना होना भाई? इसका वजन बहुत भारी है भाई, ये तो खाना खाने के लिए। ये यार भाई तुझसे जाना मित्रों, भाई ऐसे रहते हैं बंदे यहाँ पे, पूरी कैंपिंग टेंट लगाया हुआ है इन्होंने, और ये माहौल है यहाँ पे। यार आज धुंध है आज, नहीं तो भाई यहाँ से तो व्यू बड़ा जबरदस्त है भाई। ये रख लिए इन्होंने चावल यहाँ पे, ये हमारे मामा जी यहाँ पे, यहाँ पे ना टेंट लगाने के लिए देखो लकड़ियाँ थोड़ी कम मिलती है इन्होंने, ये क्या किया हुआ है पत्थर ऐसे चिनाई की हुई है पत्थरों की, ये कैसे बनाया हुआ पिल्लर पत्थरों का, और वहाँ पे भी ऐसे बनाया हुआ है पिल्लर पत्थरों का, और ये कपड़े इनके ऊन के बने हुए सारे। तो भाई अभी खाना खुना बन रहा है यहाँ पे, खाना वगैरह खाएंगे हम, लंच करेंगे। एक भाई गए हैं बकरियों के पास अपनी, वो जंगल लेके गए हुए हैं पूरा, मतलब यहाँ पे भाई कैंपिंग हो रही है, पिकनिक हो रही है मेरे लिए, तो बाकी इन बंदों का यही जान है, इनका तो रोज का ही काम है। पूरा स्पीति करके आए हैं, स्पीति गए भाई यहाँ पे ना चंद्रताल, ये होते हैं भाई चंद्रताल लेक के पास काटते हैं, कितना महीना? डेढ़ महीना भाई जी, डेढ़ महीना। अच्छा चलो भाई फूकू करो स्टार्ट। ओहो अरे मामा मैं बनाना घर है केड़ा फूकू, गदी वाली फीलिंग लेनी पूरी। हाँ जबरदस्त है ये, मेरे मामा में से वो नहीं है गद्दी, मैंने तो बोला मैं जिसके पास ये चीज नहीं है ना वो नहीं है गद्दी, नहीं है वो वेरीफाई नहीं है गद्दी, ये चीज बड़ी जरूरी है गद्दियों के पास होना। ये देखो भाई इसकी कितनी बड़ी आग जल रही है इससे ना, वो सो बड़े स्टैंडर्ड गद्दी है, फुकुल रख रहा देना। हेलो हाँ भाई, यहाँ पे बन रहा है खाना, चावल बनाए जा रहे हैं, ऐसा जैसा माहौल यहाँ पे। यार अब मैं मतलब सोच के आया था भाई बहुत, मतलब यहाँ पे ना व्यू बड़ा अच्छा होगा, अच्छा है मतलब कि बहुत अच्छा है, पर ये यार ये दिक्कत है कि वो धुंध पड़ी हुई है ना, मेन ये चक्कर तो पड़ा हुआ है भाई, पर बता रहा है, तीन कुत्ते रखे हुए ना बड़े जबरदस्त, और ये बेचारी बकरी ना ये पता नहीं बीमार हुई है कि क्या हुआ इसको। हेलो क्या हो गया? बस 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 बस, मैं चला 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 चला, मैं आराम से रहो आराम से, खड़े खड़े रहो खड़े रहो। जबकि मैं भाई मीट खाता हूँ, पर अब मैं क्या बोलूँ, मैं दो गला भक्त हूँ, मतलब इन इनके ऊपर जैसे दया भी आती है प्यार भी आता है। और ओहो हमारे यहाँ पे मामा जी ने भाई हुक्का निकाल लिया हुआ है, गद्दियों के पास दो चीजें बड़ी जरूरी है, एक हुक्का और एक फुक्कू, फुक्कू रखा है इन्होंने आग जलाने के लिए, दम लगेगा अब यहाँ पे, हम दम लगाएंगे भाई मजा आ जाएगा आज। बोली रहा तीन ना जुहार हो गई तरह मैं हूं फोन तीन बोल रहा भाई भाई देख मैं बोली रहा तीन जो से मापू निपटनी तू जा चरना दया दे तीन मैं जो इस तरह मैं बोले वो बोलिया भी बोलिया भैन जी बोले सारा नहीं बोला मापू निपटना सब कुछ
छली छलाटा कख नहीं आते तो कहने एक बोल देखने ये दो बोल देखने एक गाय जी बस गाय दे अपिता अपित से क्या बोले क्या बोला था फिल्टर वायर था कार क्या लड़ रहे खड़ना कनेक्शन की ये बिन अलग पानी होर भाई ये कुत्तों के लिए बनाई जा रही है रोटी गेहूं के आटे की बोलना आस चार नलके बोलना ये थी लग गए मामा जी तीन मोटी नहीं हुई है तीन नलके तीन नलके दया बोलना लग गए ये पहले कल की रात तीन नलके इस बिल भी आया करना तीन नलके लग दया बोलना सो इतने आज के थी बोलना आज भी कोई इलाका घूमने जो बस बारिश लग पड़ी भाई तो भाई ये ना कुत्तों के लिए बना ली इन्होंने रोटियां ये वो है मतलब गेहूं के आटे की रोटियां बनाई इन्होंने और भाई मतलब ये आधा आधा किलो की रोटी है ये एक क्या जबरदस्त रोटी बनी है खाने का मन कर गया इस रोटी को भाई दो रोटियां बना ली ना भाई दोनों तीन कुत्तों को जाना इससे भाई आदमी अगर इस रोटी को खा लेगा ना वो फिर पीजीआई चंडीगढ़ आई एम्स से पहले कहीं ठीक नहीं होना उसने पता नहीं बचेगा कि नहीं बचेगा फिर कुत्ते आजम कर लेते हैं इनके बारिश लग पड़ी भाई इन्होंने लगा दिया तरपाल कर दिया इन्होंने पूरा फिर से हटा दिया था इन्होंने वैसे।